जनपद संभल में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दीपावली के त्योहार के मद्देनजर नगर में पटाखों की दुकानों की चेकिंग की। आए दिन पटाखों की वजह से आ रही दुर्घटनाओं की खबरों के बाद सजग हुए जनपद संभल के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने आज नगर में पटाखे बेच रही दुकानों पर जाकर ये देखा कि कहीं वे आबादी के बीच में तो पटाखे नहीं बेच रहे हैं। उन्होंने इन दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे दुकान में सिर्फ ग्राहकों को दिखाने के लिए पटाखे रखेंगे और यदि वे उनके द्वारा किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी के संज्ञान में डालकर उनके पटाखों को जब्त कर लिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। सर, आज आपने चंदौसी क्षेत्र में आतिशबाजी की दुकानों को और गोदामों को चेक किया है, सर इसमें क्या आपने इसमें देखा? इसमें जो है हमने ये देखा कि दिवाली के मद्देनज़र सुरक्षा की दृष्टि से कि ये अपने सारे जो नियमों का पालन करें और आबादी के अंदर बिक्री ना करें, आबादी के अंदर केवल जो है बुकिंग करें और आबादी के बाहर ही करें। तो ये जो है जो ये जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अपना जो है यहाँ कैथल रोड पे इनकी दुकान भी है, गोदाम भी है और बाकी दो और हैं उनके भी गोदाम बाहर हैं, लेकिन वो जो है दुकान में सामान रखे हुए हैं उनको जो है थोड़ा सामान है, इतना सामान नहीं रखते थे, उनको भी दोबारा आज मैं नोटिस इशू कर दूंगा 24 घंटे के अंदर अपनी दुकान खाली रखें, दुकान पे केवल डमी रखें और बाकी बुकिंग वहाँ कर सकते हैं दुकान पे आबादी में, और लेकिन बिक्री जो करेंगे वो आबादी से बाहर करेंगे। सर, जैसे आबादी में दुकान है उनमें माल पाया जाता है आगे, अभी ये आए चेक करने कल को माल फिर दोबारा भर दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये उनकी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन वो है, और क्योंकि उनके पास लाइसेंस है तो उनको एक बार जो है 24 घंटे का समय देके अगर उनके यहाँ दोबारा सामान पाया जाएगा तो उनके DM साहब को लिख के और कप्तान साहब को लिख के उनके सामान की जब्तीकरण और जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की। सर, जिस तरह से बाजार में अब दिवाली आ गई है, दिवाली नज़दीक आती है, जिस तरह से बाजार में दुकानें लग गई पटाखों के लेकर भीड़ भाड़ में, तो उनकी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या हटा? नहीं नहीं, उनके लिए पिछले साल भी जो है क्योंकि अधिकतर जो वो स्थाई लाइसेंस बनते हैं SDM साहब के द्वारा, तो वो जो है आबादी में दुकान लगाते हैं। अब की बार जो है हमने कोतवाल साहब ने मिलकर जो सभी लोगों की एक मीटिंग की थी और जो है दुकानें जो है उसमें कोतवाली के बराबर में कंपनी बाग में लगाने का स्थान नियुक्त किया गया है, तो सभी दुकानें कोतवाली के बराबर में कंपनी बाग में दुकान लगेंगी, बाजार में किसी की दुकान लगने नहीं दी जाएगी। सर, ये आदेश तो हर साल आता है कि दुकानें कंपनी बाग में लगेंगी, लेकिन लगती नहीं है, लोग अपनी दुकानों का आगे ही आतिशबाजी का सामान रखते हैं। हाँ, इस बार जो है इस बार सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही जो है एक जो है व्यापारियों की मीटिंग कोतवाली में कर ली गई है, उनको समझाया गया है और कोशिश पूरी यही की जाए कि वो जो है